बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको पेपर पैटर्न के बाद मैंने पेयरिंग स्कीम बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 5 से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पेपर आना है। पूरी बुक में तमाम चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर नंबर 5 की है और इसमें 21 मार्क्स का पेपर आना है आउट ऑफ 75। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसके ऊपर पूरा ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो हम 4 या 5 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे और आपको अच्छी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्या मुराद है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, कंप्यूटर की साख, उसकी बनावट, वो कैसे बना हुआ है, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कंप्यूटर की वर्किंग कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी स्टडी को हम कहते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हमने यही डिस्कशन करनी है कि ये जो कंप्यूटर होता है हमारा, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हुए, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ये सारा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर की थोड़ी सी हिस्ट्री इस बुक में मेंशन है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक बंदा था जिसका नाम था जॉन वॉन न्यूमन। ये जो जॉन वॉन न्यूमन था, इसने एक थ्योरी और एक आइडिया पेश किया था, जिसके आइडिया और थ्योरी पे हमारा जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है सारा का सारा वो बेस करता है। अब इसका आइडिया या थ्योरी क्या थी वो देखते हैं, और इससे पहले कंप्यूटर किस तरह के होते थे वो भी देखते हैं। पहले ये हुआ करता था कि जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े होते थे, तकरीबन एक जैसे एक रूम होता है उस रूम के साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे। और कंप्यूटर एक चीज़ नहीं होती थी, मतलब एक ब्लॉक नहीं होता था। जैसे आज मोबाइल है, एक मोबाइल है, हर चीज़ उसके अंदर है, या एक सिस्टम है, हर चीज़ उसके अंदर ही है, कोई भी चीज़ अटैच करनी है उसके साथ अटैच करनी। लेकिन पहले क्या होता था कि मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्लॉक्स पड़े हुए, जैसे पिलर्स समझ लें कि मुख्तलिफ पिलर्स खड़े हुए और वो तारों के जरिए से आपस में कनेक्ट किए होते थे, वो मुकम्मल फिर एक कंप्यूटर बनता था। इस बंदे ने कहा था, इसने कहा कि कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये बड़ा मतलब एक्सपेंड आपने किया हुआ है, कंप्यूटर ऐसे नहीं होना चाहिए। इसने कहा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बड़ा फिक्स और सिंपल होना चाहिए। फिक्स और सिंपल से मुराद है कि एक ही कंपोनेंट हो, एक ही पार्ट हो कंप्यूटर का, जैसे आजकल हमारा सिस्टम होता है जिसे हम सीपीयू, कई लोग सीपीयू बोलते हैं, वो सीपीयू नहीं होता, वो असल में क्या होता है, सिस्टम होता है। अब वो जिसे हम सीपीयू कहते हैं, जिसके साथ हम कीबोर्ड भी अटैच करते हैं, माउस, यूएसबी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह, वो बेसिकली क्या होता है, सिस्टम यूनिट। तो वो जो सिस्टम है वो एक ही कंपोनेंट है, उसी के साथ हर चीज़ अटैच होती है। तो इस बंदे ने कहा था कि सिस्टम जो है वो एक हो, मतलब कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा हो कि बड़ा फिक्स और सिंपल होना चाहिए, हर चीज़ उसके साथ अटैच हो। आपने मुख्तलिफ डिवाइसेस अलग अलग से खड़ी की हुई हैं, अगर आपने इनपुट वाला कोई काम करना है तो इस डिवाइस से काम कर रहे हैं, आउटपुट वाला काम करना है तो उस डिवाइस से कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग वाला काम इधर से हो रहा है, स्टोरेज वाला काम इस तरफ से हो रहा है, तो सारे मिलकर कंप्यूटर बना रहे हैं। इसने कहा एक ही चीज़ हो, हर चीज़ उसके अंदर हो, हमें कोई दूसरी चीज़ों की तरफ ना देखना पड़े। इसकी थ्योरी जो है वो अच्छी थ्योरी थी, इसने खुद किया कुछ नहीं था, ये थ्योरी पेश की थी इसने। ये एक थ्योरी का इसका एक हिस्सा था, दो बातें इसने की थी। पहली बात तो ये थी कि कंप्यूटर का साइज जो है वो कम हो जाए और कंप्यूटर का स्ट्रक्चर फिक्स और सिंपल होना चाहिए। अब इसकी इस थ्योरी का जो ये पहला हिस्सा था, अब इसने दूसरी बात क्या की, दूसरी बात इसने जो की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ये कहा था कि डेटा एंड प्रोग्राम ये दोनों एक ही मेमोरी के ऊपर स्टोर हो जाएं। डेटा एंड प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम मेमोरी, दस द मशीन कैन इटसेल्फ अल्टर आइदर इट्स प्रोग्राम और इंटरनल डेटा। इसने कहा कि डेटा और प्रोग्राम दोनों एक ही मेमोरी के ऊपर स्टोर हों, मशीन को खुद पता हो कि कौन सा डेटा है और कौन सा प्रोग्राम है। अब डेटा प्रोग्राम में फ़र्क क्या है? डेटा कहते हैं कि कोई हमारी फाइल पड़ी हुई है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे मोबाइल में एक तस्वीर पड़ी हुई है, पिक्चर है, तो वो कौन सा डेटा है? इमेज डेटा है। एक ऑडियो फाइल पड़ी हुई है तो वो ऑडियो डाटा है, वीडियो फाइल पड़ी है तो वो वीडियो डाटा है। मतलब डाटा के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो कोई चीज़ हमारे मोबाइल में पड़ी है, इस पिक्चर है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई टेक्स्ट है, ये सारा क्या है, हमारा डाटा है। और प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं सॉफ्टवेयर को, जैसे वीडियो प्लेयर है जो वीडियो को चलाता है, तो वो वीडियो क्या है? हमारा डाटा। लेकिन वो वीडियो चलेगी किसमें? वीडियो प्लेयर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसने कहा सॉफ्टवेयर और डाटा दोनों जो है वो एक ही मेमोरी में स्टोर हो, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था।
डाटा कहीं और स्टोर होता था, प्रोग्राम कहीं और स्टोर होता था, ये मकसद अलग अलग स्टोर करने का ये था, कंप्यूटर को पता लगे कहाँ पे डाटा है कहाँ पे प्रोग्राम है। लेकिन इसने कहा कि एक ही मेमोरी में आप स्टोर करें, मशीन को खुद पता हो कौन सा डाटा है और कौन सा प्रोग्राम है, मशीन उसके मुताबिक खुद बखुद काम करे, उसको पता हो कि डाटे को कैसे मैंने ओपन करना है, प्रोग्राम को कैसे मैंने ओपन करना है। तो ये थ्योरी इसने पेश की कि डाटा एंड प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम मेमोरी। ये जो इसने आइडिया हमें दिया था, ये दिया था इसने 1951 में। कुछ बुक्स में ये डेट चेंज है, कुछ बुक्स में 1945 नाइन्थ क्लास की बुक में, जो पुराना कोर्स था नाइन्थ क्लास का, उसमें 1945 आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर की बुक में 1951 लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 1951 लिखा और हमने भी इसी को फॉलो करना है। तो 1951 में जॉन वॉन न्यूमन ने एक थ्योरी पेश की और एक आइडिया दिया। इसने कहा कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो है बड़ा फिक्स और सिंपल होना चाहिए और डाटा प्रोग्राम एक ही मेमोरी पे स्टोर हो सकते हैं। इसके इस थ्योरी को देखते हुए उसके बाद जो कंप्यूटर बनाए गए वो इसकी थ्योरी के ऊपर मतलब वर्किंग करके बनाए गए, और वो जब कंप्यूटर बने तो वो इसकी थ्योरी के मुताबिक थे और वो कामयाब हो गए, वो वर्किंग में आ गए और अच्छी तरह काम करने लग गए, बल्कि उनका साइज भी कम हो गया। जाहिर सी बात है हर चीज़ कंबाइन हो गई, इंटीग्रेट हो गई, तो उसका साइज भी कम हो गया, साइज कम हुआ तो कीमत भी कम हो गई, डेटा प्रोग्राम एक ही मेमोरी में स्टोर होने लग गए, मेमोरीज भी कम लगने लग गई, तो कंप्यूटर जो है वो सस्ता भी हो गया और साइज भी उसका कम हो गया। तो ये जो इसने थ्योरी पेश की थी, इसके बाद जो पहले कंप्यूटर बनाए गए थे इसकी थ्योरी पे जो तजर्बा किया गया था, उनमें दो कंप्यूटर्स का नाम आता है हिस्ट्री में, एक है यूनिवैक और एडवैक। यूनिवैक और एडवैक, यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और एडवैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मैंने बोल दिया, लिखी नहीं है, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आपने लिखनी है तो। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहले दो कंप्यूटर थे जो इसकी थ्योरी पे बने थे। उसके बाद जितनी भी कंपनीज थी जिन्होंने कंप्यूटर बनाए, उन्होंने कहा कि यार ये थ्योरी कामयाब है, उन्होंने इसी थ्योरी पे कंप्यूटर बनाना शुरू किया और वो कामयाब हुए, और आज तक टिल डेट अभी तक इसी की थ्योरी पे कंप्यूटर बन रहे हैं, इससे बेहतर कोई आइडिया भी नहीं आया। तो वो तमाम कंप्यूटर्स जो इस बंदे की थ्योरी पे बने, जिस बंदे की थ्योरी पे बनते हैं और बन रहे हैं, उन तमाम कंप्यूटर्स को कहा जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो आजकल सिस्टम बन रहे हैं, जो आजकल हम अपने कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर हैं। क्यों स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है? क्योंकि सारे के सारे जॉन वॉन न्यूमन की थ्योरी पे बेस करते हैं, जो इसने 1951 में बनाई थी, थ्योरी पेश की थी। अच्छा, अब ये जो स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है, इसी का हमने आर्किटेक्चर पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है? तो आपको समझ आ गई होगी कि जो हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली किस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, किस कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है जो कंप्यूटर इसकी थ्योरी में बना, यानी स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। द आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर वॉज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1951। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। Components of computer. अब ये जो computer है कौन सा? Stored program computer. इसके components कौन से हैं? इसके अज्जा, इसके parts, इसके हिस्से कौन से हैं? वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो इसका component है वो है ALU, और दूसरा जो इसका component है वो है CU. ALU और CU, ये दोनों इसके component के अंदर आते हैं। इन दोनों को समझाने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा CPU क्या होता है। CPU आगे एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे ही बताने लगा हूँ, तो अगला टॉपिक जो है वो मैं इसी लेक्चर में कवर करने लगा हूँ, ठीक है? तो ये डिटेल टॉपिक है, इधर आपको समझाने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि CPU जो है ये क्या होता है। मैंने अभी आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसे आमतौर पर लोग CPU बोला करते हैं, कई लोग उसे सिस्टम भी कहते हैं, तो वो बेसिकली सिस्टम होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड और हर चीज, रैम वगैरह, हार्ड डिस्क लगी होती है, वो सिस्टम होता है। उसके अंदर हमारे मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसे हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी होता है। आपने सुना होगा इस मोबाइल का इतना प्रोसेसर है, इसका इतना प्रोसेसर है, वो एक छोटी सी चिप होती है, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, उस चीज को CPU कहते हैं। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो CPU है इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ
कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से मुराद है कि ये कंप्यूटर का दिमाग है। इसे क्यों कहते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग है? इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन काम कर रहा है वही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये सीपीयू काम कर रहा है। अब हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन क्या काम कर रहा है? ये हमारे पूरी बॉडी को डायरेक्शन दे रहा है, काम कह रहा है करने के लिए। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ यहां से कमांड आ रही है, जो मैं कर रहा हूं यहां से कमांड आ रही है। आप जो कर रहे हैं, जिस तरह से आप बैठे हैं, जिस तरह से आप खड़े हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं, वो यहां से कमांड आती है ब्रेन से। तो यही काम हमारे सीपीयू का कंप्यूटर के अंदर है कि सीपीयू क्या करता है, तमाम कंपोनेंट्स को काम कहता है करने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक हो गया। अब इस सीपीयू के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू। एएलयू और सीयू, ये जो दो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए, ALU और CU। अब ये जो ALU और CU है, इनके अलावा भी CPU के अंदर हैं कंपोनेंट्स, लेकिन अभी आज के लेक्चर में उन पे डिस्कशन नहीं है, तो लेक्चर जो है हमारा किसी और तरफ चला जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा। फिलहाल जो मेजर कंपोनेंट्स हमारे CPU के अंदर होते हैं वो ये दो ही होते हैं, ALU और CU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से मुराद ये है कि ये सीपीयू का वो पार्ट है जो तमाम अर्थमेटिक और तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। मतलब जो कैलकुलेशंस हैं वो ये परफॉर्म करता है एएलयू। और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू वगैरह वगैरह। मतलब कंपैरिजन वाले जो ऑपरेशंस हैं वो भी ये परफॉर्म करता है। तो एएलयू तमाम अर्थमेटिक और तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जब हम अपने कंप्यूटर को इनमें से कोई काम कहते हैं करने के लिए, तो वो कौन करता है? हमारा सीपीयू के अंदर जो लगा हुआ एएलयू है वो ये काम करता है। दूसरा जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में कंपोनेंट है वो है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। यानी कि हमारे सीपीयू का वो पार्ट जो कि कंप्यूटर के अंदर होने वाली तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है, यानी ये वो कंपोनेंट है हमारे सीपीयू का। सीपीयू का ये वो पार्ट है जिसकी वजह से सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। यानी यही तो वो चीज है जिसकी वजह से सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू के अंदर लगा हुआ है एएलयू भी, लेकिन एएलयू ब्रेन वाले काम नहीं कर रहा, असल में सीयू का है। क्या काम है सीयू का? कि ये खुद कुछ नहीं करता बल्कि बाकी कंपोनेंट्स को काम कहता है करने के लिए, रैम को डायरेक्शन देता है किसने क्या काम करना है, सारी चीजें ये बताता है। तो ये मेजर रोल ये प्ले करता है कि किस तरह से किसने क्या काम करना है, ठीक है। और जब ये कमांड जाती है ना, किसी भी इंस्ट्रक्शन जाती है किसी भी कंपोनेंट तक, जैसे रैम को इंस्ट्रक्शन जा रही है, सीयू इंस्ट्रक्शन दे रहा है रैम को, हार्ड डिस्क को दे रहा है, किसी भी कंपोनेंट को दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शन कैसे देगा? हम लोग तो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे मैं किसी को कोई बात कहता हूँ कि भाई तुमने ये काम करना है, मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूँ बेटा आपने कल ये काम याद करके आना, तो मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको, मैं तो अपनी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, तो ये कैसे इंस्ट्रक्शन देता है? तो याद रखिएगा, ये इंस्ट्रक्शन देता है क्लॉक पल्सेस की सूरत में, क्लॉक पल्सेस। क्लॉक पल्सेस क्या होती है? क्लॉक पल्सेस बेसिकली ये करंट होता है, ऐसा करंट जो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट का मतलब है डिस्कॉन्टिन्यूस, मतलब रुक रुक के जाता है, जीरो वन की फॉर्म में, एक टाइम पे जा रहा है एक टाइम पे नहीं जा रहा, जब जा रहा है तो वो वन है, जब नहीं जा रहा तो जीरो है। तो ये बेसिकली इस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है, अगला जो कंपोनेंट है वो समझ जाता है कि ये हम मुझे क्या कहना चाह रहा है। तो ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाती है, तो आपके कोर्स में इसकी डिटेल नहीं है। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि सीपीयू के अंदर जो लगा हुआ सीयू है, जो किसी कंपोनेंट को कोई काम कहता है करने के लिए, तो वो क्लॉक पल्सेस की सूरत में कमांड्स भेजता है, इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। तो ये है हमारा दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम है सीयू। तीसरा जो कंपोनेंट है हमारा वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बेसिकली एक ऐसी मेमोरी है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। यानी कि इसके बारे में मैं आपको तीन चार बातें बताता हूँ, वो आपने ज़हन में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आगे डिटेल है इस चैप्टर में। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ऐसी मेमोरी, ऐसी डिवाइस हमारे कंप्यूटर में जिससे हमारा कंप्यूटर अपने कामों के लिए यूज करता है, मतलब जो सीपीयू है वो अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करता है। उसके कौन से काम है? उसके वही काम है जो हम उसको कहते हैं करने के लिए। इसी के बरअक्स दूसरी एक मेमोरी होती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसे हम लोग यानी यूजर यूज करता है अपने मकासद, अपने कामों के लिए, जैसे यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, मेमोरी कार्ड्स है, ये वो डिवाइस हैं जिनमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। आपको पता है कि इनको हम यूज करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। लेकिन जो मेन मेमोरी होती है उसे हम लोग यूज नहीं करते, उसे कंप्यूटर यूज करता है। ये कंप्यूटर के लिए बनाई गई है। इसकी एग्जाम्पल
हमारे पास रैम है, इसकी एग्जांपल हमारे पास रोम है। ना हमने कभी रैम में डाटा स्टोर किया, ना हमने कभी रोम में डाटा स्टोर किया। रैम और रोम में डाटा हमारा कंप्यूटर अपना डाटा स्टोर करता है, हमारी जो मेमोरीज हैं उनमें ये दखल अंदाजी नहीं देता। जब तक हम नहीं चाहते वहां से डाटा डिलीट भी नहीं होता, पड़ा रहता है, वो हमारी मर्जी है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी वगैरह, जो कुछ मैंने आपको बताया पहले। तो मेन मेमोरी जो है ये सेकेंडरी मेमोरी की निस्बत जो है ये फास्ट होती है, सेकेंडरी की निस्बत जो है ये महंगी होती है और स्टोरेज कैपेसिटी में कम होती है। आपको पता होगा हमारे कंप्यूटर में 4 GB या 6 GB की जो रैम है वो लगी होती है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो 1 TB यानी 1000 GB की लगी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरीज की जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन मेन मेमोरी की ज़रा कम होती है। दोबारा इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, फिर मैंने जो बातें आपको बताई हैं इनको आपने लिखना है ज़रूर, फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे जो कंपोनेंट है हमारा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में वो है IO यूनिट, यानी कि इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट से मुराद है कि हमारे कंप्यूटर में ना एक चिप लगी होती है, एक छोटी सी चिप होती है जिसका ये काम है तमाम इनपुट्स और तमाम आउटपुट्स को कंट्रोल करना। इनपुट से मुराद है कि जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करते हैं, जैसे मैंने कीबोर्ड से कोई डाटा एंटर किया, माउस से डाटा एंटर किया, स्कैनर से किया, माइक्रोफोन से किया, जब ये डाटा आएगा कंप्यूटर में तो ये जो IO चिप लगी हुई है, IO यूनिट, ये उस डाटे को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इनपुट है, इसका काम है इनपुट भी और आउटपुट दोनों को कंट्रोल करना। उस इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और फिर आगे ट्रांसफर करेगा इसके पास, क्योंकि इसी ने सोचना है कि फिर ये किसका काम है, ये इसने देखना है कि किसका काम है। CU ने किसी आगे किसी डिवाइस को काम देना है कि भाई ये काम आया अब ये करो, लेकिन उसे एक्सेप्ट कौन करेगा, उसे मैनेज कौन करेगा, IO यूनिट करेगा। फिर जब CPU काम करके आउटपुट देना चाहेगा हमें, तो वो जो CU है वो आउटपुट असल में किसको देगा, IO यूनिट को देगा, इस चिप को देगा। ये IO यूनिट ही देखेगा कि अब किस आउटपुट डिवाइस पे डाटा भेजना, मॉनिटर पे भेजना है, प्रिंटर पे भेजना है, स्पीकर पे भेजना है, किस पे भेजना है, तो कौन डिसाइड करेगा, हमारा IO यूनिट डिसाइड करेगा। यानी ये एक असिस्टेंट है CPU का, किन कामों के लिए, सिर्फ इनपुट और आउटपुट के कामों के लिए। तो IO यूनिट एक ऐसी चिप है हमारे कंप्यूटर में, एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का जो कि तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से आने वाला डाटा या आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाने वाला डाटा उसको मैनेज करने के लिए हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। इसके आने से, इसके लगने से, पहले ये नहीं होती थी चिप, आज के कंप्यूटर्स में है। इसके आने से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो गई है। जब ये नहीं था तो CPU भी सारी चीज़ें मैनेज करता तो कंप्यूटर स्लो था, तो अब कंप्यूटर फास्ट हो गया इसी की वजह से। इसके ऊपर भी आगे डिटेल है। नंबर 5 पे हमारे पास जो कंपोनेंट और आखिरी कंपोनेंट है वो है बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन का मतलब ये है, पहले तो समझने कि बस क्या है। बस बेसिकली एक कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर के अंदर लगी हुई छोटी छोटी वायर्स होती हैं जिनका ये काम होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा को ट्रांसफ़र करना। जब भी हमारा CPU या कोई कंपोनेंट एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करता है, देखिए जो हमारा सिस्टम होता है ना, सिस्टम, उसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि CPU से डाटा ट्रांसफ़र होता है रैम की तरफ या रोम की तरफ या हार्ड डिस्क की तरफ, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन देता है। अब जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है तो उसको किसी मीडियम, किसी पाथ की ज़रूरत है जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल होके जाएगा। जैसे हम लोग चलते हैं तो हमें ज़मीन की ज़रूरत है, ज़मीन जो है वो हमारा पाथ है, हमारा रास्ता है, हमारा वे है जिसके ऊपर से हम चल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इसी तरह से जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, थ्रू एयर। एयर यहाँ पे मीडियम होता है। और आपने पिछले चैप्टर्स में, चैप्टर 2, 3 में और 5 में पढ़ा कि जब हम डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, जब डाटा एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वो थ्रू वायर या वायरलेसली मतलब सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होता है ना। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि CPU है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है और डिफरेंट डिवाइसेज हैं, वो कनेक्ट्स हुई होती हैं किसके ज़रिए से, छोटी छोटी वायर्स के ज़रिए से। और उन वायर्स को हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं या कंप्यूटर बस बोलते हैं इसको, या सिस्टम बस भी बोलते हैं। वो जो छोटी छोटी वायर्स हैं वो मिल के एक मुकम्मल बस बनाती हैं। अब यहाँ पे जो वायर्स लगी हुई हैं, जैसे लाइट के साथ वायर होती है या फैंस के साथ जो वायर लगी होती है, उसको हम बस नहीं बोल सकते, वो सिंपल वायर है या केबल उसे हम कहते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर छोटी छोटी वायर्स होती हैं उनको हम बस कहते हैं। इसकी क्या वजह है, क्योंकि इन बसेस के ऊपर डाटा ट्रैवल होता है 0-1 से मुराद है करंट डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, मतलब एक टाइम पे करंट आ रहा है और एक टाइम पे नहीं आ रहा। जब वो जा रहा है तो उसका मतलब 1 होता है, जब नहीं जा रहा उसका मतलब 0 है। आपने सुना होगा कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 और 1 को, तो
तो 0-1 से मुराद ये नहीं कि कंप्यूटर के अंदर डाटा 0 और 1 की शक्ल में ट्रैवल हो रहा है, बेसिकली करंट एक टाइम पे जाता है एक टाइम पे रुकता है, तो जब जाता है तो उसे 1 कंसीडर करता है, जब नहीं जाता तो उसको वो 0 कंसीडर करता है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट जल रही है या जो फैन चल रहा होता है, इसके अंदर अगर करंट डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में जाएगा तो लाइट ब्लिंक करेगी, क्योंकि उसको डिसकॉन्टिन्यूस करंट की जरूरत नहीं, उसे कॉन्टिन्यूस करंट चाहिए। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब डाटा ट्रैवल होता है एक जगह दूसरी जगह, तो वो क्लॉक पल्सेस में होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यानी डिस्क्रीट करंट में फ्लो करता है। तो जो डिस्क्रीट करंट होता है वो जिस पाथ के ऊपर से, जिन वायर्स के ऊपर से ट्रैवल करता है, उस वायर को हम बेसिकली बस इंटरकनेक्शन कहते हैं, कि वो बस का इंटरकनेक्शन लगा हुआ हमारे कंप्यूटर के अंदर, कि जो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करती है। इसकी फिर आगे टाइप्स हैं, वो आगे डिटेल टॉपिक है, वो इंशाल्लाह वहां पे पढ़ेंगे। अब जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े इस चैप्टर में आगे आएंगे, इनकी मुकम्मल डिटेल है इस चैप्टर में, इनकी आगे से टाइप्स हैं, तो इंशाल्लाह हम वो आगे देखेंगे। उम्मीद है कि आपको इस मुकम्मल लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।